एक दिन एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने एक निश्चय किया कि चूंकि गधा बहुत बूढ़ा हो गया था, उसे बचाने का कोई फायदा नहीं था और इसलिए किसान ने सोचा कि क्यों ना गधे को कुएं में ही दफना दिया जाए। ऐसा सोचने के बाद किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा लिया और कुएं में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही गधे को समझ में आया कि क्या हो रहा है, वह और भी जोर जोर से रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डाल रहे थे। कुछ देर कुएं में मिट्टी डालने के बाद किसान ने कुएं में झांका तो दंग रह गया। गधा अपनी पीठ पर गिरे हर फावड़े की मिट्टी से एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम उठाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी अपने फावड़ों से उस पर मिट्टी डालते थे, वैसे ही गधा अपने पीठ को हिलाकर मिट्टी को नीचे गिरा देता और ऊपर चढ़ जाता था। जल्द ही कुआं धीरे धीरे मिट्टी से भर गया और सभी को आश्चर्य हुआ। गधा कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर बाहर कूद कर भाग गया। तो दोस्तों, इस तरह गधे ने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाई। हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान रहे, आपके जीवन में भी कई तरह की गंदगी आप पर फेंकी जाएंगी, कई तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। उदाहरण के लिए, कोई आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेवजह आपकी आलोचना करेगा। कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण बेकार में आपको बुरा भला कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे तरीके अपनाता नजर आएगा जो आपके आदर्शों के खिलाफ होगा। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना है और हर तरह की गंदगी को गिराकर उससे सीख लेनी है। उसे सीढ़ी बनाकर अपने आदर्श का त्याग किए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि चालाक गधे की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।